Şey Muhammed abi var. Göster yeşil. नाम है हाजी अब्दुलरशीद डार, मैं टैंकपोरा में रहता हूँ, यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। जनाब, हम बदकिस्मती से आप लोगों के साथ ये बात करना चाहते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट ने हमारे साथ बहुत सारे जुल्म किए हैं। इन्होंने फीस जो है वो डबल कर दिया, कंज्यूमर के बगैर हमारे साथ कोई बात नहीं की, हमें कुछ नहीं बोला गया, हमें कुछ नहीं पूछा गया, बगैर ही पूछे इन्होंने डबल फीस कर दिया। और सर, इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, हम जब ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, कोई लाइन खराब हो जाती है, हम खुद पैसों से, अपने पैसों से ला के देते हैं। और हम ये जो शारिक है, मतलब इंस्पेक्टर जो है, ये जई पैसे खाता है, जई जो शारिक है आप, ये मतलब हम इनको कहते हैं कि आप हमारे एग्रीमेंट जो है ये चेक करो। और ये चेक करने के बजाय अगर 90 अगर एक ट्रांसफार्मर पर 90 मतलब परमानेंट है कनेक्शन है 90 और एक 150 चलता है उस पर, बाकी जो एक 70 लोग जो बचते हैं उनको ये नकद पैसा लेता है, वो अपने घर को दे देता है। और ये जो लोगों में जो परेशानी है, लोगों जो लोग जो परेशानी उठा रहे हैं, वो मतलब उनमें कोई फ़र्क नहीं करते हैं। हमारी डिमांड ये है कि ये जो इन्होंने फीस डबल कर दिया, ये फीस वापस उतारे हैं। और बेशक अगर इनको चढ़ाना है, हमारे साथ बात करें, हमारे साथ बैठे, इक्वल मतलब जो बिजली फीस है वो करे। हर एक सर, हमारे पास मकाने हैं, हमने ज़मीन बेचा है, ज़मीन बेच के हमने मकाने बनाए हैं। बाकी हमारे पास जो लोग जो यहाँ रहते हैं, वो ऑटो वाले हैं, वो मिस्त्री है, वो मतलब दशल मजदूरी करते हैं, वो मतलब लोहार का काम करते हैं, ये सर हमारा काम है। इन्होंने मकान देखा है, मकान देख कर इन्होंने एग्रीमेंट किया है। हम इस गवर्नमेंट को, हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं, हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, आप लोग बार बार ये कहते हैं कि हम लोगों के भलाई के लिए आए हैं, मगर हम जब ये देखते हैं कि लोगों की भलाई कोई नहीं करता है, लोगों को कोई नहीं पूछता है, लोगों को मतलब लोगों के साथ कोई बात भी नहीं करता है, खुद ब खुद चीफ इंजीनियर ने, जेई ने और ADEE ने ये मिली भगत करके हमारा फीस डबल कर दिया। हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि ये फीस जब तक वापस नहीं उतरेगा, तब तक हम एक पैसा डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, ना हम कोई फीस भरेंगे। मेरा नाम है अब्दुलरशीद डार, मैं भी यहाँ का एक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन एक बात और मस्त है, हमें पावर शेड्यूल के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर शेड्यूल इन्होंने बनाया 3-3 घंटे, अब देख लीजिए इस वक्त 12 बजे तक हमें कोई पावर नहीं मिला है। 2-3 घंटे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पावर रहता है। यह शेम की बात है इस बिजली डिपार्टमेंट के लिए कि हमें हर कोई चीज़ जो ट्रांसफार्मर के लिए होता है वो हमें खुद लाना पड़ता है, मुझे पैसे जमा करने पड़ते हैं और लड़कों को गाड़ी ला के उनको ट्रांसफार्मर भेजने पड़ते हैं उधर, और सामान वहाँ हम खुद खरीदते हैं। ये बिजली डिपार्टमेंट के लिए शेम की बात है। और आज हमारे बगैर इन्होंने इतना दुगना पावर बिल चढ़ाई है पावर में, ये शेम की बात है। सर मुझे बताइए, यह कौन सा कानून है? कंज्यूमर के बगैर इन्होंने चढ़ाया, यह कौन सी कानून है? यह कौन सा है? अपनी मर्जी के मुताबिक। और हमारा और एक मुतालबा है सर, जो यहाँ से 15 सालों से यह जई है, इसको ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ से। यह हमारी डिमांड है, अगर नहीं होगा तो यह बात हम बंद कर लेंगे।